हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी जो इकोनॉमिक्स की सीरीज चली हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए चैप्टर करेंगे मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि जो मांग है उसकी लोच। सबसे पहले देखिए मांग का नियम होता क्या है। मांग का नियम होता है यदि वस्तु की कीमत घट जाती है, वस्तु की प्राइस या कीमत क्या हो जाए घट जाए तो डिमांड क्या होगी बढ़ जाती है। डिमांड क्या हो जाती है बढ़ जाती है। और वस्तु की कीमत यदि कम हो जाती है, वस्तु की कीमत यदि कम होगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है बढ़ जाती है। डिमांड क्या हो जाती है बढ़ जाती है। लेकिन इसके ऊपर एक शर्त होती है। क्या शर्त है कि भाई आय के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या जो बंदा किसी सामान को लेके आता है यदि उसकी इनकम कम या ज़्यादा होगी ना तो वो उसके हिसाब से ब्रांडेड या कम ब्रांडेड या कोई भी चीज़ है ना वो अपना मतलब क्या है वस्तु बदल लेता है। तो इसके ऊपर जो हमारी मांग का नियम है ना उस पे शर्त है कुछ एक। क्या आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय उसकी फिक्स होनी चाहिए भाई। दूसरी उसकी जो वस्तु है वो साधारण वस्तु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साधारण वस्तु होनी चाहिए, कोई स्पेशल वस्तु नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं और शर्त क्या है कि वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए यानी उसकी जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल एज इट इज रहनी चाहिए। ठीक है, तो और दूसरा इसके अलावा उपभोक्ता जो है उसकी रुचि भी नहीं बदलनी चाहिए और उसकी आदत भी नहीं बदलनी चाहिए उस वस्तु के ऊपर। ये केवल उन्हीं वस्तुओं के ऊपर डिपेंड करता है जो मतलब मांग का नियम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मतलब उसकी आय में परिवर्तन ना हो, वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं हो, जो रुचि है खरीदने वाले की और आदत जो है उनमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, जो मांग का नियम है ना वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, कोई भी घटिया किस्म की कोई वस्तु है जिनको हम गिफिन बोलते हैं। ठीक है, गिफिन बोलते हैं ना, तो मांग का नियम उनके ऊपर क्या नहीं होता, लागू नहीं होता। और इसके अलावा मांग का नियम एक समय पे और भी जब कोई आपातकालीन लग जाए, कोई युद्ध की स्थिति बन जाती है ना, उस समय भी मांग का नियम क्या नहीं होता, अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच होती है मूल्य और आय में कोई भी परिवर्तन हो जाता है ना, मूल्य और आय में कोई भी परिवर्तन के कारण जो मांग होती है उसके अंदर लोच उत्पन्न होती है। क्या होती है, लोच उत्पन्न होती है। तो ये लोच क्या है देखिए मैं बताता हूँ। लोच दो प्रकार की होती है। नंबर एक पे होती है कीमत लोच। कौन सी कीमत लोच, यानी डी क्यू बाई डी पी इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है और कीमत में भी मतलब प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि इसके अंदर जैसे आपका जैसे, और दूसरी होती है आय लोच। आय लोच का फॉर्मूला होगा डी क्यू बाई डी वाई। क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वाई। डी क्यू क्या, मांग की मात्रा में प्रतिशत अंतर और आय में प्रतिशत अंतर। तो जैसे मैं इसका एग्जाम्पल नंबर वन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम्पल वन के अंदर देखिए क्या होगा कि मांग यदि 100 वस्तुएं बिक रही है और 105 हो जाती है। मांग क्या हो जाए 100 से 105 हो जाती है और कीमत 1000 से 900 हो जाती है तो लोच क्या होगी। तो इसके अंदर देखिए यहां पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 5%। तो यही तो हमारा क्या है, डी क्यू होगा ना। क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइड बाई डी पी। तो इसके प्राइस के अंदर जो भी मतलब अंतर आया कितने परसेंट कम हो गया, 10%। तो जो अंतर आया ना तो 5 इसका और 10 इसका अंतर, 10%, क्योंकि 100 रुपये कम हो गए 1000 की वस्तु पे, तो इनको कैंसिल किया 1/2 आ गया। तो ये 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2% इसके अंदर लोच हो गई है वस्तु के अंदर। ठीक है, अब इसके कुछ नियम है, कुछ स्केल है इलास्टिसिटी निकालने के। ठीक है ना, तो ये मैं स्केल बताता हूँ। नंबर एक पर लोचदार मांग क्या होती है, लोचदार मांग वो क्या होती है, इसमें इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो कैसे, जैसे मोबाइल टेलीविजन वगैरह जो होते हैं ना वो इसके एग्जांपल है। तो ये लोचदार मांग होती है इनकी। ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगी। एग्जांपल जैसे कि हमारे जो मांग है ना वो 100 से 125 हो जाए, जहाँ पे 100 टीवी बिक रहे हैं ना वहाँ पे 125 बिकने स्टार्ट हो गए और जो मूल्य है वो 100 रुपये से 80 रुपये हो गया। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले देखिए इसका अंतर कितना 25, इसका अंतर कितना परसेंट घटा है 20। तो ये अंतर वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई किया
तो 5 चौक 20, 5 5 25, तो ये 4/5, ये 5/4 हो जाएगा, और 5/4 का मतलब 1.25, 1.25 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 है। इसके बाद बेलोचदार, बेलोचदार क्या होती है, इसमें ईडी 1 से लेस रहती है भाई, ठीक है। जैसे कि कौन सी चीजें, इसमें नमक और दवाई, ये ऐसी चीजें हैं जो कोई भी फर्क चाहे कीमत बढ़े या घटे, तो जिनकी इनकी जो भी डिमांड है ना वो हमेशा एक जैसी रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मांग 100 से 110 हो गई है और मूल्य 100 से 80 हो गया, तो वैसे इनका अंतर बटे में इनका अंतर तो ये हो जाएगा कितना, 10/20, 1/2%, 1/2% का मतलब 0.5%, ये हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, प्राइस 1 प्राइस 2, ठीक है। यदि इसका प्राइस घटा हुआ है तो इसकी मांग मतलब क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। प्राइस यदि बढ़ गया है तो मांग इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारा वर्क होता है ना लोच, ये मतलब लोच आ जाएगी भाई, ठीक है। Q1 Q2 उसकी क्वांटिटी या मतलब क्वांटिटी जो है वो रहेगी, और प्राइस हमारा P1 P2 रहेगा, तो इस प्रकार से। इसके बाद इकाई लोचदार, इकाई मीन्स 1, यानी कि ED1 हो जाए हमारी। ED क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग 10 से 12 हो जाए, और 10 से 12 हो गई और मूल्य हमारा कितना हो जाए, मूल्य हमारा 100 रुपये से 80 रुपये हो जाए, तो इसके अंदर अंतर देखिए परसेंटेज में जब निकालेंगे ना, 100 पे 2 रुपये का बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 पे 2 रुपये का बढ़ने का मतलब 100 पे 20% इंक्रीज हुआ, तो 20/ में इसकी कीमत भी 20% कम हुई है, तो 20/20 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद पूर्णतः बेलोचदार, यानी मांग में परिवर्तन बिल्कुल भी ना हो और मूल्य हमारा 10 से 15 हो जाए, तो इसके लिए आंसर 0 रहेगा हमेशा। वजह क्या रहेगी, इसके अंदर देखिए मांग में परिवर्तन नहीं है तो 0 आ जाएगा, उनका अंतर सेम बिल्कुल सेम मतलब उसकी क्या रहेगी, मांग रहेगी। तो जैसे 10 मांग थी, 10 ही बाद में 10 माइनस 10 0 आ जाएगा, तो 0 बाय नीचे उनका अंतर जो भी मतलब है, तो इसके अंदर 10 से 15 हुआ 5 हो गया, तो 0/5 0 रहेगा भाई, ठीक है। इसके बाद पूर्णतः ये बेलोचदार थी, अब लोचदार की बात करते हैं। इसमें मांग तो कम ज्यादा हो सकती है लेकिन मूल्य स्थिर रहेगा, तो मूल्य स्थिर रहेगा तो डिवाइड में 0 आ जाएगी, जिसको हम नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोलते हैं भाई, ठीक है। नॉट इसके अंदर एक स्पेशल बात है कि आवश्यक वस्तु बेलोचदार होती है भाई, आवश्यक वस्तु क्या होती है, बेलोचदार होती है, और आरामदायक जो वस्तुएं होती है वो लोचदार होती है। आरामदायक वस्तु जैसे मतलब AC वगैरह हो गई, पंखे वगैरह हो गए, या अपनी जो डिमांड की चीजें होती है। विलास वस्तुएं अधिक लोचदार होती है, विलास वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे आप टूर निकालने के लिए जा रहे हो कहीं बाहर, तो वो इसके अंदर विलास वस्तुओं के अंदर आ जाती है। और एक इसके अंदर देखना नेगेटिव इलास्टिसिटी क्या होती है, नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है ये हमारी क्या होती है, आय बढ़े पर मांग नहीं बढ़ती है। क्या है कि आय तो बढ़ जाए लेकिन उसकी मांग नहीं बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक आज का स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।